गुना पत्रकार संघ द्वारा दो पत्रकारों पर प्रकरण दर्ज करने के विरोध में पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पत्रकारों ने पुलिस द्वारा पत्रकारों पर दबाव बनाने के लिए प्रकरण दर्ज करने का आरोप लगाया। दरअसल गुना जिले के मकसूदनगढ़ तहसील में दो पत्रकारों पर धारा 110 की कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी ने तीन प्रकरण दर्ज किए थे, जिसके विरोध में गुना पत्रकार संघ द्वारा पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा गया कि दुर्भावनावश और आपसी मनमुटाव के चलते पुलिस द्वारा दबाव बनाने के लिए पत्रकारों पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। हमारे ग्रामीण अंचल में जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ पुलिस द्वारा द्वेषवश प्रकरण दर्ज करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दो मधुसूदनगढ़ के पत्रकार हैं खलील खान और जीवन बैरागी। पुलिस ने हाल ही में उन्हें पे 110 बाउंड ओवर की कार्रवाई की है। इसके अलावा एक राघोगढ़ के हमारे दैनिक भास्कर के साथी हैं बद्री भाई, उनके खिलाफ एक सरपंच ने झूठी शिकायत दर्ज की है हरिजन थाने में। तो इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर हम एसपी साहब से मिले थे और एसपी साहब ने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया है, इन मामलों की जांच करा के जल्द से इसमें खात्मा लगा दिया। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने विशेष जांच के लिए टीम गठित कर एसडीओपी को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वो एक ज्ञापन दिया गया है पत्रकार एक जो मकसूदनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जो पत्रकार है उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उन्होंने बताया है कि उनके ऊपर जो तीन मामले हैं उसमें वो कोर्ट से निराकरण हुआ है और इसमें उसकी कार्रवाई की। इस संबंध में जो भी उनकी शिकायत है उसके लिए एस डी पी जाचड़ा को दे दिया गया है मामला। वो जाँच करके जो भी उसके अंदर सही कार्रवाई होगी वो प्रॉपर कार्रवाई करवाएंगे। और भी कुछ जो इश्यूज थे जो अलग अलग पत्रकार बताए उसके लिए भी हमने जो है उसको निराकरण के लिए बता दिया। ज्ञापन देने आए सभी पत्रकारों ने मामले में जल्द से जल्द उचित कार्यवाही की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, गुना।